नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदम है। आज मैं आपको एक लालची व्यापारी की कहानी बताऊंगा जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड है। कहानी का नाम है लालची व्यापारी का सबक। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक जीवंत शहर में चार दोस्त थे, टॉम, सारा, बेन, एम्मा और मिस्टर ग्रंप नाम का एक आदमी भी था जो अमीर लेकिन मतलबी व्यापारी था। टॉम, सारा, बेन और एम्मा दयालु बच्चे थे जिन्हें नदी के किनारे खेलना पसंद था। वे अक्सर अपने खिलौने और स्नैक्स एक दूसरे के साथ साझा करते थे, जहां भी जाते थे खुशी फैलाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर ग्रंप अपने कर्मचारियों को तेजी से काम न करने के लिए डांट रहे थे। टॉम ने अपने दोस्तों से फुसफुसाकर कहा, मिस्टर ग्रंप हर समय इतने क्रोधी रहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि वह हमेशा इतने क्रोधी क्यों रहते हैं। सारा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने सुना है कि उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वह लोगों के साथ खराब व्यवहार करता है। उत्सुकतावश उन्होंने मिस्टर ग्रंप से संपर्क करने और उनसे पूछने का फैसला किया कि वह हमेशा इतने गुस्सा क्यों रहते हैं। सुनिए मिस्टर ग्रंप, एन ने कहा, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? मिस्टर ग्रंप ने उपहास करते हुए कहा, अपने काम से काम रखो बच्चों, मेरे पास तुम्हारे मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के लिए समय नहीं है। लेकिन एम्मा ने कहा, लेकिन मिस्टर ग्रंप, दूसरों को चोट पहुंचाने से आप खुश नहीं होंगे, ये आपको और अधिक दुखी कर देगा। मिस्टर ग्रंप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे व्याख्यान देने की हिम्मत कैसे की छोटी लड़की? मैं तुम्हें अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना सिखाऊंगा। तभी आसमान में काले बादल छा गए और शहर में तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। बिजली चमकी, उसके बाद भयंकर तूफान आया। भयभीत श्री ग्रंप को एहसास हुआ कि प्रकृति उन्हें उनकी क्रूरता के लिए दंडित कर रही है। वह डर और पश्चाताप से कांपते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। जैसे ही तूफान तेज हुआ, मिस्टर ग्रंप की हवेली पर बिजली गिरी जिससे उसका एक हिस्सा ढह गया। अव्यवस्था के बीच श्री ग्रंप ने कुछ अपूरणीय चीज खो दी, एक बहुमूल्य संपत्ति जिसे कोई भी धनराशि नहीं खरीद सकती थी। अपनी कभी भव्य हवेली के खंडहरों को देखते हुए श्री ग्रंप को हानि और खालीपन की गहरी अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि धन उसे प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा सकता और न ही वह अपने साथी शहरवासियों के साथ टूटे हुए संबंधों को सुधार सकता है। अपने चेहरे से आंसुओं की धारा बहते हुए मिस्टर ग्रंप उठ खड़े हुए, इस एहसास से नम्र होकर कि सच्ची खुशी सोने या गहनों से नहीं खरीदी जा सकती। वह नगरवासियों के पास गया और सिर झुकाकर क्षमा मांगी। मुझे क्षमा करें, वह फुसफुसाया। तेज हवा में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत था, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री ग्रंप की ईमानदारी से प्रभावित होकर शहरवासियों ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। साथ में उन्होंने शहर के पुनर्निर्माण और सद्भाव बहाल करने के लिए काम किया। उस दिन से मिस्टर ग्रंप अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाने लगे। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों के उत्थान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए किया और बच्चों ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि सच्ची खुशी, करुणा, सहानुभूति और एक दूसरे के साथ साझा किए गए बंधनों से आती है, न कि भौतिक संपत्ति या शक्ति की खोज से। तो कैसी लगी कहानी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कृपया कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर वापस आऊंगा। बस रुकिए और बने रहिए। अलविदा।